अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमे की कचौरी। ये बन के बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। बनाना भी आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने कीमे लिए थे। कीमों को अच्छी तरह से वाश कर लिया था। वाश करके इसमें एक मैं झन्नी में रख देती हूँ कि ताकि इसका पानी सारा नीचे उड़ जाए। अब फिर मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया है। जब ऑयल गरम हो जाता है तो मैं इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा डालने के बाद मैंने जो कीमा वाश करके रखा था वो ऐड कर दूँगी और इसे भून लूँगी। हमें इसे इतना भूनना है कि इसका पानी सूख जाए कीमे का। जब इसका पानी सूखने लगेगा तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर मैंने इसमें 6 से 7 हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाली बारीक बारीक, इसे भी मिला लेंगे। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे। एक बड़े चम्मच से मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाया है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। फिर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके रखे थे वो डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें कीमे को गलाना नहीं है, बस हमें इतना ही बनाना है कि इसका पानी सूख जाए प्याज का और कीमे का। और लास्ट में मैंने हरा धनिया डाला है। कीमे का पानी अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक डाल के इसे नॉर्मली जैसे रोटी के डव बनाया था उसी तरह हमने गूंद लिया है। अभी हम पेड़ा बना के छोटा सा इसमें कीमे की स्टफिंग भर देंगे। आप तो इसे बेल के बना सकते हैं या फिर हाथ ही से, मतलब दोनों तरफ से ठोक के बना सकते हैं। बस इसी तरह छोटी छोटी हमें सारी कचौरियाँ बना लेनी है। ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। हमें स्लो ही फ्लेम पे फ्राई करना है, छानना है। जब एक साइड से हो जाएगा तो हम दूसरी साइड पलट लेंगे। इस तरह से हम सारी कचौरियाँ छान लेंगे। हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम ही पे छानना है। कितनी अच्छी और कुरकुरी हमारी एकदम कचौरियाँ रेडी हुई हैं। आपको ये रेसिपी, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा ये कीमे की पूड़ी या कचौरी। आप जो भी बोलें, आपको जो पसंद हो। अल्लाह हाफिज़।